हेलो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक के बारे में बताया था। बस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे श्लोक के बारे में। तो चलो वीडियो को बिना कोई इंट्रो या बिना कोई देर के स्टार्ट करते। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था, तो संजय ने जवाब दिया। संजय उवाच, दृष्टवा तु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्य मम सदम्यं राजा वचन ब्रवी। संजय ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और वो मन में भयभीत और विचलित हुआ, इसके कारण वो अपने गुरु अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। आपने एक बार अपने लाइफ में या अपने जीवन में नोटिस की होगी कि जब भी आप कोई मुश्किल में आ जाते हो तो आपको अपने ऐसे लोग के पास जाते हो, आपको लगता है इनके पास नाम है, नॉलेज है, इनके पास मेरी समस्या का हल मिलेगा और वो लोग पॉजिटिव होगी। आपने देखा होगा, आप जब जीवन में हर जगह से ऐसा लगता है आप कहाँ जाओ, कौन कोई रास्ता ना मिल रहा हो पाए, तो आप अपने इष्ट देव भगवान है, आपने जो भी गॉड को मानते हो या अल्लाह को, जिसमें भी आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके पास जाएगी, उनसे आप प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। या दूसरा एग्जाम्पल लू तो आप कार्टून तो देखते हो कि उसमें डोरेमोन के पास नोबिता भाग के जाता था जब प्रॉब्लम हो जाती थी, या फिर छोटा भीम में किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो वो सब भीम के पास जाता था। और बाहुबली मूवी तो मेरे ख्याल से सबने देखी होगी, तो बाहुबली मूवी में जब बाहुबली को कोई समस्या होती थी तो अपने मामा कटकवा के पास जाता था, वो बोलता था ना, मामा आप जब तक चाहते मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। और ऐसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे आप अपने टीचर के पास जाते होगे, और कोई नहीं जाता होगा लेकिन आप मेरे ख्याल से जाते होगे। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, और इसके अलावा आप घर पे समस्या में हो गए तो आपको फैमिली मेंबर भाई चाचा चाची काका काकी या मम्मी पापा के पास ही जाते होगे। तो मैं यहाँ वो समझाने रहा हूँ कि आपके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई पॉजिटिव इंसान के पास जाओगे, आप चाहे नेगेटिव हो गए तो भी आप पॉजिटिव लोग के पास ही जाओगे। आप चाहे कोई बुरा काम करते हो जैसे कोई गैरकानूनी काम, लेकिन तभी आप अपना समस्या का हल ढूंढने के लिए पॉजिटिव लोग के पास जाओगे। आपने देखा होगा आप गैर कानूनी कोई धंधा कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो भी वो जब फंसेगी समस्या का हल ढूंढना है तो वो पॉजिटिव लोग के पास जाएगी, वो भी भगवान के पास जाएगी, तब वो दारू के अड्डे पे नहीं जाएगी। और जो पॉजिटिव लोग हैं वो भी पॉजिटिव के लोग पास से जाएगी, उनकी समस्या का हल भी वो पॉजिटिव लोग के पास ही ढूंढेंगे। लाइफ में पॉजिटिव यानी कि सत्यता वास्तविकता जो सनातन है, आखिर में तो सबको वहीं पे ही जाना पड़ता है। तो सनातन है सत्य, वहीं पे जाना है तो सत्य के रास्ते पे चल के जाना अच्छा रहेगा ना। बाद में दुर्योधन के जैसे भयभीत और विचलित होकर भाग के जाना है, जैसे वो पांडवों की सेना को देख के गुरु द्रोण के पास भाग के गया, तो उसके पहले ही सत्य के रास्ते पे चलना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। और
श्रीमद भगवद गीता जी में जो बात बताए गए हैं वो कोई धर्म जाति से मेल नहीं करती है, वो कोई धर्म जाति से परे है। मतलब ऐसा नहीं है कि श्रीमद भगवद गीता जी हिंदू धर्म के ही ग्रंथ है, बस हिंदुओं को ही उसको पढ़ना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें जो बात बताई हुई है उससे और हिंदू धर्म से कोई मेल नहीं है, उसमें हिंदू धर्म के बारे में प्रचार नहीं हुआ, उसमें प्रचार हुआ है एक स्थिर लाभ जीने का, योग का। योग यानी कि स्थिर, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, मतलब कि योग। तो श्रीमद भगवद गीता में 18 अध्याय सबके योग ही है, अर्जुन विषाद योग, संन्यास योग, ज्ञान संन्यास योग। और दूसरी बात यह है कि जाति धर्म और इसके अलावा समय से भी परे है। श्रीमद भगवद गीता जी के जो भी बताया हुआ है वो वर्तमान में भी सही है, भूतकाल में भी सही है और भविष्य में भी सही ही होगा। और इसके अलावा और देश प्रदेश से या कोई विस्तार से भी परे है, यानी कि वो गुजरात में भी उसमें बताई हुई बात सच्ची है, आंध्र प्रदेश में भी सच्ची है, या कोई भी देश देश ले लो, यूएसए, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जहाँ भी जाओ पूरी पृथ्वी पे या पृथ्वी के बाहर भी ब्रह्मांड में चले जाओ, इसमें जो बात बताई हुई है वो हर जगह तक वर्क करती है, क्योंकि वो सनातन है। श्रीमद भगवद गीता जी की फिलोसॉफी ही ऐसी है। और कभी आपको अगर अपने जीवन में कुछ समझना है तो आप उसमें पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब।